अर्जुन मिश्रा, जनसंघर्ष विराट पार्टी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष। देश में जो कोरोना के वजह से महामारी फैली हुई है, उस समय में हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम लोगों से जितना सक्षमता के अनुसार लोगों को फूड पैकेट का वितरण कर सकते हैं, वैसा समस्त देश में हम लोगों ने 10,000 फूड पैकेट वितरण का पहले चरण में टारगेट रखा था। लेकिन अहमदाबाद पुलिस को मैंने ये सूचित किया था कि मैं समस्त अहमदाबाद में फूड पैकेट वितरण करने के लिए प्रयासशील हूँ, जिसको देखकर अहमदाबाद पुलिस का मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ कि 100 नंबर पर कंट्रोल रूम द्वारा पूरे अहमदाबाद में मेरा नंबर दिया जाता है। जो भी ज़रूरतमंद अगर अहमदाबाद पुलिस को फ़ोन करता है, उसमें से आंशिक लोगों को हमारा नंबर दिया जाता है, जिससे हम फूड पैकेट पहुँचा सकें। और आज पूरे देश में जनसंघर्ष विराट पार्टी ने इस महामारी के समय में 22,000 से ज़्यादा फूड पैकेट वितरण किया है। आने वाले समय में लॉकडाउन के तमाम रोज़ के रोज़ कम से कम नहीं तो हम लोग 1,00,000 फूड पैकेट वितरण करेंगे, जिसमें सारे लोगों का सहयोग मिला। तथा पुलिस को जो 100 नंबर पे फ़ोन आ रहा है, वो लोग ऐसे हैं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, लेकिन कहीं बाहर जा नहीं सकते, और उस प्रकार से वो लोग हम लोगों से सहायता मांगते हैं और हम लोग घर पर जाकर उनको फूड पैकेट प्रदान कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी एक कॉल सेंटर चालू किया है, जिसमें हमने अपना हेल्पलाइन नंबर भी डाल दिया है। हेल्पलाइन नंबर पर हमको जहाँ से भी फ़ोन आता है समस्त गुजरात में, अभी हमको कड़ी से फ़ोन आया था, कड़ी कलोल में हम लोगों ने सेवा दी है। हम लोगों का आयोजन ये रहता है कि हम लोग प्रशासन के द्वारा भी जहाँ मदद हो सके वहाँ प्रशासन का उपयोग करते हैं, और जहाँ पर प्रशासन का उपयोग ना हो सके वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने आप से जो भी सक्षमता है उस प्रकार से लोगों की सहायता में उतर गए। हेल्पलाइन नंबर 9824370111। નમસ્કાર, હું દેવાંગ જોશી, જનસંઘર્ષ વિરાટ પાર્ટી, અમદાવાદ શહેર મહામંત્રી વાત કરું છું। જ્યારે આપણે આ લોકડાઉન ચાલુ થયું ત્યારે ઘણા માણસોને ખાવાની રહેવાની પરિસ્થિતિ હતી। અત્યારે અમે 24 તારીખથી લઈ અને આજ દિન સુધી લગભગ 200 માણસોને ખાવાની વ્યવસ્થા પૂરી પાડી રહ્યા છે। રોડ ઉપર રહેતા શ્રમિક લોકો કે જે રોડ ઉપર જ રહે છે, રોડ ઉપર જ સૂવે છે, તેમને અમે સવાર અને સાંજ લગભગ 150 થી 200 જેવા વ્યક્તિઓને અમે જમવાની વ્યવસ્થા પૂરી પાડીએ છીએ। તદઉપરાંત પોલીસ કર્મીઓ જે 24 કલાક પોતાની સેવા નિભાવે છે, તેમને છાશ, લીંબુ સરબત, ચાની સેવા પણ પૂરી પાડીએ છીએ। લીંબુ સરબત, ચા અને છાશ અમે 4 થી 6માં વેચીએ છીએ, અને રાત્રે 12 થી 2માં અમે ચાની સેવા પૂરી પાડીએ છીએ। તદઉપરાંત સિટી ગોલ્ડ પાસે બાપુનગરમાં એક ચાલી છે, તેમાં લગભગ 150 થી 200 ઘર એવા છે। દક્ષાબેન શાહ કરીને એક બેન અમારા સંપર્કમાં આવ્યા અમારી જાહેરાત ઉપરથી, અને તેમણે એમ કીધું કે તમે અને તમારી ટીમ અમને આવી અને આ રીતની સેવા જો પૂરી પાડી શકતા હોય તો લાસ્ટ 3 ડેઝથી અમે તેમને સાંજનું જમવાનું 150 થી 200 માણસનું અમે પૂરું પાડીએ છીએ। અને આજે પાછો એમનો ફોન આવ્યો હતો કે તમે બીજા 30-એક માણસોની સેવા પૂરી પાડી શકશો, તો અમે કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, તમે અમને જણાવો, અમે જરૂરથી તે સેવા પૂરી પાડીશું। જય હિન્દ।